अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों जो मैं कतर से आपको मैं कोई खबर वगैरह कोई न्यूज़ वगैरह आपको मैं नहीं सुनाने वाला हूँ। कुछ भाइयों का सवाल था दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो कतर को लेकर, तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए ताकि आपको पूरी जानकारी कतर की मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग मुझसे हमेशा सवाल करके ये सब पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ भाइयों के सवालों को उठाता हूँ और कुछ भाइयों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी भाई लोग आप लोग कतर जाने वाले हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले भाई का सवाल है, जो भाई का नाम है शहीदुल्ला मोला। तो भाई का सवाल है, आई हैव कतर आज़ाद वीज़ा। तो भाई, आप यदि कतर का आज़ाद वीज़ा भी लेना चाहते हो तो कतर का आज़ाद वीज़ा यदि लेने के लिए आपको किसी अच्छे कंसल्टेंसी को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज़ाद वीज़ा आप खुद से नहीं निकलवा सकते हो, क्योंकि आज़ाद वीज़ा कतर का मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अब यदि आप ये सोच रहे हो कि खुद से आप आज़ाद वीज़ा को निकाल लोगे तो दोस्तों ऐसा करना वहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, खुद से आज़ाद वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। और ले नहीं चाहते हो कंसल्टेंसी तो आज ऐसे कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कीजिएगा जो कि गवर्नमेंटल अप्रूव्ड हो, जिसके पास लाइसेंस हो, वही आपको आज़ाद वीज़ा दे सकती है। बाकी जो दुकान खोल के छोटा मोटा बैठा हुआ रहता है, ये सब चीज़ों का दोस्तों आप विश्वास ना करें, आपको ऐसे में वीज़ा नहीं मिलेगा। अगले भाई को सवार की ओर चलते हैं। भाई का नाम है श्रवण चौहान। भाई पूछते हैं, मैं HBK कंपनी में इंटरव्यू मारा हुआ, हमको लगा 2 महीना हो गया है, हमको कंपनी ने अपने लेटर दे दिया है और अभी भी नहीं कर रहा है, किससे कब तक होगा, कब तक मिल जाएगा कतर काम के बारे में, इंटरव्यू के बारे में बताइए। तो भाई, मुझे आपका जो आप जो लिखे हैं मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, फिर भी मैं समझ गया हूँ, पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। भाई, यानी आपने SBK कंपनी के में यदि इंटरव्यू दिया है तो बता दूँ आपको कि HBK कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये मेन कंपनी है, ये दोस्तों सप्लाई कंपनी नहीं है। तो यदि आपका HBK कंपनी में इंटरव्यू हुआ है तो यदि आपका 1 से 2 महीना हो चुका है तो आप तक का आपका वीज़ा जो है वो आ जाना चाहिए। वीज़ा 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगता है। यदि फिर भी आपका वीज़ा को इशू नहीं किया जा रहा है तो जिस कंसल्टेंसी के द्वारा या फिर जिस एजेंसी के द्वारा आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उसे जाके एक बार बोलिए, क्योंकि 1 से 1.5 महीना के अंदर आपका वर्क वीज़ा आ जाना चाहिए। पर अभी भी यदि नहीं आ रहा है तो एक बार जाके कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि इतना देर तो नहीं होता है, बाकी कंसल्टेंसी के द्वारा आपको जानकारी वहां से मिल जाएगी। अगले भाई के सवाल को चलते हैं। भाई का नाम है महेश गडप्पा। भाई पूछते हैं, भाई साहब, न्यू ID रेन्यूअल होगा कि नहीं ये बताइए। तो भाई, न्यू ID जो है वो बिल्कुल रेन्यूअल होगा। ID रेन्यूअल करने में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जाके खुद से ID को रेन्यूअल करवा सकते हैं। जो भी वहाँ पर दोस्तों होता है, रूल रेगुलेशन है, गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करके आप करवा सकते हो। अगले भाई का सवाल है देवराज पौडेल। भाई पूछते हैं, कतर में कब से खुलेगा, जल्दी बता। तो भाई, कतर कब से खुल चुका है, वर्क वीज़ा भी चालू है, बस कंस्ट्रक्शन वाला जो वीज़ा है अभी नहीं निकल रहा है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट का काम जो है वो कतर में अभी तक चालू नहीं किया है, इसलिए नया वर्क वीज़ा का काम दोस्तों जो है वो कंस्ट्रक्शन वाला कैटेगरी का नहीं निकल रहा। बाकी जितने कैटेगरी का वो काम है वो सभी का सभी निकल रहा, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगले भाई के सवाल है, भाई का नाम है सलमान शेख। भाई पूछते हैं, भाई कतर में मिनिमम हेल्पर की सैलरी कितनी है। तो भाई, मैं आपको बता दूं, कतर में जो मिनिमम हेल्पर की सैलरी है 1000 कतरी रियाल है। ये लगभग 2 साल पहले ये नियम को जारी कर दिया गया था हुकूमत के तरफ से। 1000 बेसिक सैलरी आपको मिलेगी, 300 कतरी रियाल आपको मिलेगा फूड के लिए, प्लस 500 कतरी रियाल आपको मिलेगा एकोमेंडेशन के लिए। यदि कंपनी आपको फूड एकोमेंडेशन दोनों दे रही है तो सिर्फ आपको 1000 कतरी रियाल मिलेगा, बाकी 1000 कतरी रियाल बेसिक सैलरी मिलेगी। यदि आपको कंपनी नहीं दे रही है खाना और रहना तो आपको 1800 कतरी रियाल दिया जाएगा। तो ये कुछ भाइयों का सवाल था, कुछ जो मैं जिसका मैंने जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।